अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको, पूरी दुनिया को और हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें और आप सबको किसी का भी मोहताज ना बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे हसीन और ख़ूबसूरत फैंसी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव डिज़ाइंस। फैंसी लुक के साथ अगर आप अपना ड्रेस चाहती हैं, उबटन मेहंदी की रसूमात का हो, बारात वाली मंगेजमेंट का हो या निकाह रसूमात में आप कैरी करना चाहती हैं, ब्राइडल्स के लिए भी ये ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत बनेंगे, और ब्राइडल सिस्टर, कज़न, बेस्ट फ्रेंड और ब्राइडल मदर्स के भी ड्रेसेस पर आप इस तरह के स्लीव डिज़ाइन अप्लाई करवा सकती हैं, कर सकती हैं अगर आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आती है तो। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के भी बेशुमार मेथड हैं, कोई फैंसी एम्ब्रॉयडरी पसंद करता है, हैंडमेड वर्क पसंद करता है, कोई जरी वर्क, कोरा, दबका, नक्शी, मिरर वर्क, गोटा वर्क, और कोई हैंडमेड सिंपल एंकर थ्रेड की भी। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़ ज़्यादातर आपको फैंसी दिए हैं, दो चार मैंने सिंपल एम्ब्रॉयडरी के भी आइडियाज़ दिए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सिंपल एम्ब्रॉयडरी जो हमारे कैजुअल ड्रेसिस पर होती है वो हम कैसे करते हैं। क्योंकि प्लेन फैब्रिक पर जितनी ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी नुमाया होती है वो हमारे किसी प्रिंटेड या अकेले एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक पर नहीं होती। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं फैंसी, जैसे कि आपके लिए जामावार, बनारसी प्लेन फैब्रिक हो गया, मसूरी फैब्रिक हो गया और रा सिल्क होगी, उन पर इस तरह की जो एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव डिज़ाइनिंग है हसीन लगती हैं बनने के बाद। वेलवेट फैब्रिक की तो बात ही क्या, वेलवेट फैब्रिक पर अगर आप इस तरह के स्लीव डिज़ाइन या एम्ब्रॉयडरी नेक डिज़ाइनिंग या मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर लें तो आपका वेलवेट ड्रेस तो वैसे ही हसीन लगेगा, प्लान पहनने के बाद भी बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें इस तरह की डिज़ाइनिंग कर और भी हसीन बना सकती हैं। अब जैसा कि वक्त के साथ साथ मौसम चेंज होगा और वेलवेट फैब्रिक के ड्रेसेस विंटर सीजन में बनने शुरू हो जाएंगे तो उसमें भी आप इस तरह से कोई भी वर्क करवा सकती हैं। अगर आपका लॉन कॉटन का फैब्रिक है तो उसमें ये देखें सिंपल एम्ब्रॉयडरी जो हम एंकर थ्रेड से करते हैं, मिरर वर्क और बगैर जो दूसरे स्टिचेज होते हैं, कश्मीरी, सिंधी, बलोची, अफगानी, वो भी तमाम एम्ब्रॉयडरी आप कर सकती हैं। और जो ये जरी वर्क होता है ये आप इसमें एप्लिक वर्क के साथ भी कोई कलर कंट्रास्ट, कलर कॉम्बिनेशन करवा कर एम्ब्रॉयडरी करवा सकती हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर बेशुमार DIY आपको एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग के भी मिलेंगे, कटिंग स्टिचिंग के भी मिलेंगे, क्योंकि मेरा चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग का भी है और साथ साथ डेली मैं डिज़ाइनिंग आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, ताकि अपने व्यूवर्स को हर तरह की फ़ैशन से रिलेटेड हर टॉपिक की वीडियोस मुहैया करूँ और आप इससे टिप्स एंड ट्रिक्स लें। ये एम्ब्रॉयडरी के ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ भी मैंने अपनी चैनल पर अपलोड की हुई है, मार्केट जाकर वो ट्यूटोरियल जो मशीन वर्कर एम्ब्रॉयडरी करते हैं या अड्डा वर्कर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, मुख्तलिफ कोरे दबके को कैसे तैयार करते हैं, कैसे उसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए फ्लावर को क्या लगाते हैं नीचे, वो तमाम आप DIY भी देखिएगा। इसके अलावा मैंने अपने हैंडमेड वर्क और एम्ब्रॉयडरी के कुछ व्हाट्सएप नंबर भी कुछ वीडियोज़ में दिए हुए हैं, जहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो काम करती हैं, अगर आप चाहें तो वो नंबर लेकर अपनी मर्ज़ी की कोई भी एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, जिसमें बेबी फ्रॉक्स की स्मोकिंग भी होती है, जैसे हैंडमेड वर्क होता है जिसे हैंड स्मोकिंग कहते हैं, बेबी फ्रॉक की बॉडी योक पर की जाती है, आप अपनी बॉडी योक पर भी बनवा सकते हैं अम्ब्रेला फ्रॉक की या एयरलाइन फ्रॉक्स की, जिस फ्रॉक की ज़्यादा फ्लेयर हो, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लेयर वाला फैब्रिक आप देंगे उतनी खूबसूरत स्मोकिंग बॉडी योक बनेगी। और बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ तो बाजू यानी स्लीव्स बॉटम भी स्मोकिंग के बनवाती हैं, वो भी बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती हैं। डियर, जिस तरह की ये स्लीव डिज़ाइनिंग के मैंने आपको आइडियाज़ शेयर किए हैं ये यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप इस एम्ब्रॉयडरी से दामन और नेक लाइंस और ट्राउज़र बॉटम भी तैयार करवा सकती हैं और अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ मार्केट के बने बनाए बीड्स पर स्टोन या गोटा वर्क, मिरर वर्क का जो मटेरियल मिलता है तैयारशुदा, वो भी लेकर लगाकर अपनी मर्ज़ी से अपनी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। इस तरह से वो जो यूनिक यूनिक नए नए पैटर्न होते हैं आप जब खुद तैयार करती हैं वो एक नई डिज़ाइनिंग होती है, उसे आप कभी भी किसी भी वक्त कैरी कर सकती हैं, पहन सकती हैं, किसी इवेंट्स पर बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा ये कोई किसी ब्रांड का था, ये फेमस हो गया या पुराना हो गया, टाइम फैशन हो गया ख़त्म, ये तमाम बातों के इश्यूज़ होते रहते हैं जब हम कोई मार्केट का तैयारशुदा कोई ड्रेस लेते हैं। तो डियर्स, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ वेबसाइट और मुख्तलिफ पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की पिक्स होती हैं जो हम आपसे
आइडियाज़ के तौर पर शेयर करती हैं और इनको देखकर आप बनाती हैं। ये पैटर्न समझ लें और आइडियाज़ समझ लें। तो डियर्स, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।